अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शबाना मामा दी बेस्ट चैनल पर आप तमाम लोगों को वेलकम करती हूँ। बहुत दिन हो गए वीडियोस नहीं बना रही, और आप शायद सोच रहे हो और इंतज़ार भी हो और पता नहीं ना भी हो, लेकिन मैं बताती हूँ कि क्यों वीडियो नहीं बन रही। वीडियो इसलिए नहीं बन रही कि मेरी और मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, तो मैं घर में ज़रा लगी हुई थी। तो तबीयत इंसान की अच्छी नहीं होगी तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो बस यही हाल मेरा भी था। दिल नहीं चाह रहा था वीडियोस बनाने पर, वीडियो पे काम करने के लिए थोड़ी मेहनत होती है, थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, तो इस वजह से वीडियोस नहीं बन रही। लेकिन इंशाल्लाह आप ज़रूर बना करेंगी रेगुलर। तो आज मैं किचन में मौजूद हूँ, और किचन में जब हूँ तो मालूम है आपको रेसिपी शेयर कर रही होंगी। तो आज एक अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और वो है स्पैगेटी। स्पैगेटी नूडल्स बनाते हैं, और मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी को पूरी एंड तक देखिएगा, और मेरे चैनल को आप करेंगे क्या सब्सक्राइब। अभी मैं ये गाजर छिल रही हूँ, और कौन कौन सी सब्जियों का मैंने इस्तेमाल किया स्पैगेटी नूडल्स में वो मैं आपसे शेयर करती हूँ थोड़ी देर में। और जब तक मैं कटिंग कर लूँ, बस स्पैगेटी नूडल्स बनाने के लिए सब्जियों की कटिंग ही ज़्यादा अहम होती है। इसके अंदर ऑयल डाला है, इससे स्पैगेटी चिपकेगी नहीं और बहुत अच्छी खिली खिली बॉइल होगी। बॉइल कर हुए पानी में मैंने ऑयल डाल दिया है, और ये भर के नमक डाल रही हूँ। अब इसके अंदर स्पैगेटीज डाल रही हूँ, इससे ये है कि नमक भी स्पैगेटी में आ जाएगा और ऑयल डालने से स्पैगेटी चिपकेगी। और ये मैंने स्पैगेटी ली है, और ये आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, सब अच्छी होती है। और मैं इसे थोड़ी ब्रेक करूँगी, पूरा ही पैकेट इसमें यूज कर। और इसे अब आप चम्मच हिला लें ताकि ये जुड़े नहीं आपस में, और बॉईल करने तक, अच्छी तरह बॉईल करने तक इसको पकाते रहें। तो जनाब, स्पैगेटी बनाने के लिए जिन जिन चीजों की मुझे जरूरत है उसमें स्पैगेटी पैकेट है, चिकन है, और ये सब मैंने कटिंग कर ली है। और आप अपने हिसाब से जिस स्टाइल में, जिस शेप में कटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। इसमें मैंने बंद गोभी ली है, शिमला मिर्च है, गाजर है, ग्रीन प्याज है, हरा प्याज, और हरी मिर्चें ली हैं मैंने बड़ी, लहसुन के जवे लिए हैं, काली मिर्च का इस्तेमाल है, सोया सॉस है, और ये मिक्स हर्ब है, तो ये मैंने इसका यूज़ किया है, और सिरका, और नमक हसबे जायका, और ऑयल भी थोड़ा सा चाहिए हमें हसबे ज़रूरत। तो ये तमाम चीज़ें चाहिए नूडल्स स्पैगेटी। तो अब ये देखिए कितने अच्छे से ये बॉयल हो गए, और ये बहुत अच्छे से गल चुकी है। अभी बस मैं इसे ड्रेन करूँगी, और ड्रेन करने की भी एक सीक्रेट पॉइंट है, वो ज़रूर नोट कीजिएगा। और उस पॉइंट के तहत आप जब इसे पानी इसका निथारेंगे तो फिर आप देखिएगा कभी भी आपकी स्पैगेटी ख़राब नहीं होगी। तो जनाब, ये मेरे हाथ में है ठंडा चिल वाटर, तो बस आपने ठंडा चिल वाटर रखना है अपने हाथ में। अब मैं इसे देखिए किस तरह से ड्रेन कर रही हूँ, और ये सारी हो गई है, और ये मैं इसके अंदर पानी मिला लूँ। ठंडा यह पानी है ये, बिल्कुल चिल, और इससे आपकी स्पैगेटी बिल्कुल खिली खिली, निखरी निखरी बनेंगी, चिपकेंगी नहीं। ये अमल आपने लाजमी करना है, इससे बस ये सीक्रेट है आपकी। ये देखिए कितनी अच्छी खिली खिली बनी है। अब ये मेरे पास कढ़ाई बहुत गर्म हो चुकी है, मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, ऑयल ज़्यादा हो गया है, कम ऑयल रखना है वैसे तो। मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ, बहुत से लोग मैरिनेट कर देते हैं, और मैं मैरिनेट नहीं करती, बस इसी तरह से चिकन इसी अपने पानी में ही, चिकन अभी सारी गल जाएगी।
तभी बस आप मेरे साथ रहिए, वीडियो को देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। ये लहसुन है और ये मैं आप पीस लें या कद्दूकस करना चाहें तो आपसे क्रश करके डाल दें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं इसे अभी ऐसे ही क्रश करके डाल दूँ। और सोया सॉस इसमें थोड़ा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा अभी बाद में करूँगी। नमक हद ज़रूरत ताकि बूटियों में अच्छी तरीके से लग जाए। और ये देखें अच्छे से, ये देखें गोश्त गल गया है, चिकन गल चुकी है बिल्कुल, और ये बिल्कुल कच्ची नहीं है। चिकन तो वैसे भी गल जाती है बहुत जल्दी। अब इसमें डाल रही हूँ मैं गाजर, और ये सब्जियाँ आप डाल दें। और पानी अपना छोड़ेंगी, जब तक पानी छोड़ेंगी उस वक्त तक हमने इसे करना है खुश। तो ये मिक्स करें और सब्जियाँ आप अपना पानी छोड़ेंगे, सब्जियों को ज़्यादा गलाना भी नहीं है, और अच्छी खड़ी खड़ी सी भी रहें और पक भी जाएं और कलर भी ख़राब ना हो इनका। तो आपने इन तमाम बातों का ख्याल रखना है और ये अपने ही पानी में खुश्क हो जाएंगी और बहुत अच्छे से ये नरम हो जाएगी। इसमें अभी हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी। मज़ीद नमक मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं सिरका ऐड कर रही हूँ। मज़ीद सोया सॉस, सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है, चम्मच चलाते रहिए ताकि नीचे से लगे भी नहीं और अच्छी सी नरम और सॉफ्ट सी हो जाए सब चीज़ें। आगे में तमाम मिक्स हर्ब हैं, इसमें थाइम, रोजमेरी, ओरिगानो और ये तमाम चीज़ें ऐड हैं, और ये मैं मिक्स ले लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। ये देखो तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छी खुशबू आती है और मुझे बहुत पसंद है। बस बस ये हसबे जायका थोड़ा सा बस डाल रही हूँ मैं, 2 से 3 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड कर दिया। तमाम चीज़ें देखें कितने प्यारे कलर, कितने ज़बरदस्त। और ये बच्चों को बना के दें, बच्चे शौक से खाते हैं। जो बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते हैं वो स्पैगेटी में आप ऐड कर दें, नूडल्स में ऐड कीजिए और अपने बच्चों को खिलाइए, हेल्दी खाने बनाइए, हेल्दी खिलाइए। तो गाइस ये देखिए कितने अच्छे से बहुत तमाम सब्जियां, तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं, यकजान हो गई हैं, नरम हो गई हैं। अब इसके अंदर जो हम डालने जा रहे हैं वो है नूडल्स। और आप ये देखिए, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ऐड कर रही हूँ, और ये देखिए कितनी निखरी हुई है, खिली हुई है, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। ये सिर्फ इस वजह से थी कि मैंने इसके अंदर डाला था ठंडा चिल्ड वाटर। तो आपने भी यही मेथड यूज़ करना है तो आपकी स्पैगेटी इंशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बनेगी। अब हमने इसे सबको मिक्स करना है और इसमें अभी मैंने 2 चीज़ें ऐड नहीं करी, वो अभी आपके सामने ऐड करती हूँ। इसमें है अभी डालने जा रही हूँ मैं ब्लैक पेपर, और ये ब्लैक पेपर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, और ये मैं डाल रही हूँ अब ग्रीन अनियन, बहुत यमी। और बस इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने अब मिक्स करना है, इसके अंदर सब चीज़ें शामिल हो जाएं, स्पैगेटी, सब्जी, बस रेडी है। बहुत इजी है ना, देखें मैं मुश्किल रेसिपी तो बिल्कुल नहीं देती, यकीन जानिए बहुत आसान और बहुत मज़ेदार होती है। आप ट्राई क्या करें, अच्छी होती हैं, जल्दी बन जाती हैं, मुश्किल काम नहीं करती, टाइम वेस्ट नहीं करती मैं ज़्यादा किचन में, जल्दी जल्दी से बना लिया और जल्दी जल्दी से पका लिया और टेस्ट भी अच्छा आ गया। और अब इसको डिश आउट करने की बारी है और सारे नदीदे बच्चे खड़े हुए हैं खाने के लिए। और आप इसको फिर केचप के साथ सर्व कीजिए। तो अब बारी हो चुकी है मेरे टेस्ट करने की।
और मुझे यकीनन उम्मीद है कि बहुत हमेशा की तरह मजेदार बनी होगी। तो चलिए मैं इसे ट्राई करती हूँ और आपको अच्छी लगे तो आप भी जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई अच्छी बनी है, तारीफ नहीं की मैंने बनाई है। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।